नमस्कार, सरोज द एप्रेनगल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं आपके साथ एक और समर स्पेशल रेसिपी शेयर करूंगी, जो कि है कच्चे आम का शरबत। बहुत ही टेस्टी बनता है। अभी गर्मियों का सीजन है और कच्चे आम भी मिल जाते हैं, तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए हमें चाहिए 2 कच्चे आम, 1 बड़ा चम्मच बारीक कटा हुआ हरा धनिया, 15 से 20 पुदीने के पत्ते, 1 हरी मिर्च, 1 बड़ा चम्मच चाट मसाला, 2 बड़े चम्मच चीनी। तो अब सबसे पहले हम जो कच्चे आम हमने लिए हैं उनको छीलकर तैयार करना है हमें। अब इस तरह से छिलके हटा लेंगे और इसको हम चॉप कर लेंगे, और अब इसकी जो गुठली है उसको अलग कर देंगे और इसको हम छोटे टुकड़ों में कट कर लेंगे। ये जो आम का शरबत है ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है, और इसके लिए आपको कच्चे आम का ही यूज करना है, उससे ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है। अब ले रही हूँ 1 ग्रीन चिली, इसको भी कट कर लेते हैं। और ये बिल्कुल भी तीखी वाली ग्रीन चिली नहीं है। अगर आपके पास तीखी वाली ग्रीन चिली है तब आप बिल्कुल छोटा सा टुकड़ा ही डालिएगा। अब लिया है मैंने मिक्सिंग जार, और इसमें हम चॉप किए हुए जो हमने कच्चे आम को चॉप किया है उसको डाल देंगे, और इसके साथ ही बाकी चीज़ें भी ऐड करेंगे। कटा हुआ हरा धनिया, पुदीने के पत्ते, हरी मिर्च और चाट मसाला, चीनी ऐड कर दिया है। और अब ये मैंने लिया है 1/2 कप नॉर्मल ठंडा पानी है, बिल्कुल ठंडा पानी नहीं है। और अब हम इसको अच्छी तरह से बारीक पेस्ट बना लेंगे इसका। अब एकदम बारीक पेस्ट इसको बना लिया है, इसमें अब ऐड करेंगे बिल्कुल ठंडा आइस वाला पानी लिया है मैंने, वो 2 कप पानी मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। और अब इसको सर्व कर लेते हैं। इसके लिए मैंने 2 ग्लास लिए हैं और उसमें हम डाल देंगे आइस क्यूब, और अब इसमें डालेंगे आम का शरबत, और अब ऊपर से डालेंगे बारीक कटा हुआ पुदीना और बारीक कटा हुआ हरा धनिया। अब आम का शरबत एकदम तैयार है। ये शरबत बहुत ही टेस्टी और रिफ्रेशिंग है, तो इस समर सीजन में आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और रेसिपी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करें। फिर मिलेंगे न्यू रेसिपी में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।